और स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ये काफी इजी होता है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद हमने मतलब इसके बाद और दो तीन लेक्चर रहेगा, उसमें मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, यहाँ पे भी मैं एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा। अब देखो, जो बैलेंस फोर्स होता है ना, इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स भी बोलेंगे। याद रखना, अगर फोर्सेस बैलेंस है तो हम उसको इक्विलिब्रियम भी बोलने वाले हैं, जो मैं इसके अगले टॉपिक में उठाने वाला हूँ, ठीक है। अगर फोर्स बैलेंस्ड है तो इक्विलिब्रियम बोलेंगे, अगर अनबैलेंस्ड है तो सम सॉर्ट ऑफ एक्सीलरेशन रहेगा कोई एक डायरेक्शन में। अब देखो, समझो जरा बैलेंस फोर्स क्या होता है। अब देखो, मैं अगर बोलूं, मेरे पास यहाँ पे एक मेटल का शीट है, ठीक है, एक मेटल का शीट है, और अगर यहाँ पे मेरा कोई एक फ्रेंड इस शीट को 40 न्यूटन से खींच रहा है, सेम इसी डायरेक्शन में मेरा एक और फ्रेंड इसको सेम 40 न्यूटन से खींच रहा है, इस डायरेक्शन भी मेरा एक और फ्रेंड इस शीट को 50 न्यूटन से खींच रहा है, और यहाँ पे भी मेरा एक दोस्त 50 न्यूटन से खींच रहा है, तो इस केस में क्या है, शीट मूव करेगा या फिर जहां पे है वहीं पे रहेगा, जहां पे है वहीं पे रहेगा ना। तो इसी को बोलते हैं हम बैलेंस्ड फोर्स। इसका मतलब अगर हम फिजिक्स के टर्म पे बताएंगे तो हमें से देखो यार, यहाँ पे एक प्लेन पे बनाए ना, अगर प्लेन पे बनाए तो ऑब्वियसली इसके पास कितने एक्सिस होंगे, दो एक्सिस होंगे, एक आपका वाई एक्सिस और एक आपका एक्स एक्सिस होगा। तो बैलेंस्ड फोर्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपके पास, बैलेंस्ड फोर्स का डेफिनेशन क्या बनेगा अगर आप लिखना चाहो तो, यही सेम आपका इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में भी लगने वाला है। अगर फोर्सेस बैलेंस्ड है तो इक्विलिब्रियम में बोलेंगे हम। तो बैलेंस फोर्स का मतलब होता है ऑल फोर्सेस इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। मतलब जितने भी फोर्स आपके एक्स और वाई में लग रहा होगा वो जीरो के बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन में निकालूं, तो एक्स में एक फोर्स कहाँ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, दैट इज प्लस 50। और एक फोर्स कहाँ लग रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट इज माइनस 50। नेट कितना आ रहा है, जीरो न्यूटन आ रहा है। डन। सिमिलरली अगर मैं वाई का भी निकालूं, ऑल फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन, तो पॉजिटिव वाई में कितना लग रहा है, प्लस 40। उल्टे साइड में कितना लग रहा है, दैट इज प्लस आपका माइनस 40। यहाँ पे भी मैंने प्लस ही किया था लेकिन डायरेक्शन माइनस में था। डन है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है, दैट इज प्लस 40, ए प्लस माइनस, माइनस 40, कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है जिस केस में आपका ऑल फोर्सेस इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, जितने भी फोर्सेस प्रेजेंट है उनको अगर हम सम अप कर लेते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो अगर वो जीरो आता है तो हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स है। क्या बोल देंगे, बैलेंस्ड फोर्स है। कौन से फोर्सेस है, वो बैलेंस्ड फोर्स है। और इसी को कौन सा कंडीशन बोलते हैं, हम इक्विलिब्रियम के कंडीशन को भी बोलेंगे। उसी तरह फिर से वही चीज समझो, सेम वही टीना का टुकड़ा है। अब मेरा एक दोस्त इसको 30 न्यूटन से इस तरफ पुल कर रहा है, एक और दोस्त इसको 40 न्यूटन से नीचे की तरफ पुल कर रहा है। डन। कोई एक बंदा इसको, मेरा एक फ्रेंड इसको 50 न्यूटन से इस तरफ खींच रहा है, और एक दोस्त इसको 40 न्यूटन से इस तरफ खींच रहा है। तो इफेक्टिव कितना होगा, देखो ए 40 है, 40 से इस तरफ एक फ्रेंड खींच रहा है, 30 से ऊपर एक खींच रहा है, तो इफेक्टिवली अगर मैं देखूं तो क्या 10 न्यूटन फोर्स के साथ यहाँ नीचे नहीं आएगा, दैट इज 40 माइनस 30 करेंगे तो इसके पास ज्यादा है ना, क्योंकि 40 है इसके पास, दैट इज 30 तो लगा रहा है, जो इतना वो लगा रहा है, साथ में 10 न्यूटन एक्स्ट्रा लगा रहा है, तो क्या होगा, बॉडी इस तरफ आने वाला है, कितना फोर्स के साथ, 10 न्यूटन फोर्स के साथ बॉडी इस तरफ आने वाला है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे 50 लग रहा है, यहाँ पे 40, तो क्या हो रहा है, 10 न्यूटन फोर्स के साथ यहाँ पे भी आएगा। इफेक्टिव कितना है, 10 न्यूटन है खाली ना, क्योंकि 50 के अंदर 40 भी तो है, मतलब वो जितना खींच रहा होगा उतना ये भी खींच रहा है, प्लस एक्स्ट्रा वो 10 खींच रहा है, तो इस तरफ बॉडी आने वाला है। तो अभी बॉडी देखो, इस तरफ भी आना चाहता है, इस तरफ भी आना चाहता है, तो ऑन एवरेज कितना में आ जाएगा, वो कितने में आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा इसका रिजल्टेंट। और इसको हम निकाल सकते हैं, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक और 10 बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अच्छा यानी और 2 10 cos थीटा, तो यहाँ पे cos इसके बीच का एंगल कितना बना, फिलहाल 90 बना, तो cos 90। यहाँ पे जो थीटा एंगल होता है ना, यहाँ पे कभी 20-30 भी बन सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे एंगल देख लेना, बट इस केस में 90 बना है मेरा, मैंने जो लिया था। तो इस यहाँ पे कुछ एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा जो इन 10 से ज्यादा होगा, उस फोर्स के साथ बॉडी इस तरफ मूव करने वाला है। तो अगर हम देखें इस केस में, अभी देखो बॉडी अगर मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास एक्सीलरेशन है, आया समझ में। और यहाँ पे इनबैलेंस फोर्स अगर आप यहाँ पे निकालो ना, समीशन ऑफ एक्स एक्सिस में फोर्स निकालो, तो कितना आएगा, प्लस 50 से इस तरफ खींच रहा है, उस तरफ कितने से, नेगेटिव 40 से खींच रहा है,
तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना, दैट इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, आया समझ में। उसी तरह आप वाई एक्सिस का भी निकालोगे तो 30 से ऊपर पुल हो रहा है और -40 से नीचे पुल कर रहा है वो, दैट इज -10 आया, अगेन इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो अनबैलेंस फोर्स कब होता है, जब आपका समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन एक्स एक्सिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू 0। और याद रखना अनबैलेंस्ड फोर्स हमेशा एक्सीलरेशन क्रिएट करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अनबैलेंस्ड फोर्स ऑलवेज क्रिएट एक्सीलरेशन। आया बात समझ में, जब भी फोर्सेस अनबैलेंस्ड रहेंगे तो क्या क्रिएट करने वाला है, एक्सीलरेशन क्रिएट करेगा। तो चलो उसी के ऊपर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे एक्सीलरेशन क्रिएट करता है। तो ये लॉग एक्सपीरियंसेस है 100 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मतलब एक लकड़ी का कुंदा है, लकड़ी का टुकड़ा, ये कितना ग्रेविटेशनल फोर्स फील कर रहा है, 100 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स फील कर रहा है, धरती के नीचे खींच रहा है उसको, एंड 80 न्यूटन अपवर्ड बॉयंस फोर्स, और बॉयंसी अपवर्ड में कितना लगा रहा है, 80 न्यूटन। व्हेन थ्रोन इन ए वाटर, मतलब इसको वाटर में रखा गया है, तो वाटर में रखा गया है तो ग्रेविटी उसको कितना 80 न्यूटन से नीचे खींच रहा है, बॉयंस फोर्स मतलब कोई भी चीज को जब वाटर में फेंकते हैं ना तो वाटर उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को बॉयंस फोर्स कहते हैं हम, ठीक है। वो कितना फोर्स लगा रहा है, बॉयंसी, वाटर कितना फोर्स लगा रहा है लॉक के ऊपर कि तुम मेरे अंदर मत आओ, ऊपर जाओ, 80 न्यूटन का लगा रहा है। डन, अभी तुम देखो नीचे ज्यादा फोर्स है ऊपर कम फोर्स है, ऑब्वियसली बॉडी नीचे मूव करेगा। तो अगर मैं बोलूं दैट इज देयरफॉर इफेक्टिव फोर्स, यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स कितना है, देखो कैसे निकालोगे, 80 न्यूटन ऊपर लग रहा है, -100 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो कितना -20 आया। इसका मतलब क्या है, नीचे की तरफ इफेक्टिव फोर्स लग रहा है अभी 20 न्यूटन, और मुझे अभी क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है कि कितने एक्सीलरेशन से वो जाने वाला है। तो देयरफॉर अभी देखो ये जो 20 न्यूटन आया ये भी एक फोर्स ही है ना, और ये फोर्स किसके ऊपर एप्लीकेबल है, खाली इस लकड़ी के ऊपर फोर्स एप्लीकेबल है। तो 20 न्यूटन एक फोर्स है, मैं फोर्स का जनरल फॉर्मूला जानता हूं, दैट इज व्हाट, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, इसको मैंने लिख दिया -20 के बराबर, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि ये जो इफेक्टिव फोर्स आया ये भी एक फोर्स है, और फोर्स ए वाला फोर्स किस पे लग रहा है इफेक्टिवली, फिलहाल इस लकड़ी पे लग रहा है, और फोर्स का जनरल फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अभी यहाँ पे जो एक्सीलरेशन आएगा किसका आएगा, इस लकड़ी का एक्सीलरेशन आएगा जिसके साथ वो नीचे जाने वाला है। तो यहाँ पे मैं अगर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू लिखूं, अच्छा दैट इज मास कितना है इसका, मास दिया है 20 kg, तो मैंने मास की जगह 20 लिख दिया, इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू यहाँ पे फोर्स कितना था -20, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा -20/20, दैट इज व्हाट, 1 m/s², वो भी नेगेटिव में। इसका मतलब क्या है, नीचे की तरफ वो जाने वाला है कितना, 1 m/s² से, ये होता है उसका एक्सीलरेशन। यहाँ पे देखो वन क्या, माइनस क्या बताता है आपको, माइनस बताता है कहाँ जाने वाला है, नीचे की तरफ जाने वाला है, कितने एक्सीलरेशन से, 1 m/s² से, नेगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन। तो आई होप आपको ये बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स का फंडा क्लियर हुआ है। जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स रहेगा तो वहां पे एक एक्सीलरेशन आने वाला है, क्योंकि बॉडी कोई एक तरफ मूव करेगा। अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो वहां पे कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, और बैलेंस्ड फोर्स को ही हम इक्विलिब्रियम बोलने वाले, क्योंकि जब फोर्सेस सारे बैलेंस्ड होते हैं तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है। और बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, आपका जो भी फोर्स लग रहा होता है ऑल फोर्सेज इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, अगर हम उसको सम अप कर लेंगे तो 0 के बराबर आएगा। वही अनबैलेंस्ड फोर्स में अगर हम फोर्सेस ऐड करते हैं एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में, वो 0 के बराबर कभी नहीं आता है। डन, और अनबैलेंस्ड फोर्स ऑलवेज एक्सीलरेशन क्रिएट करता है। तो ये था आज का वीडियो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।